गली गली तेरी लाज चली जी और बाहुबली हेलो फ्रेंड्स, एलिम प्रोमी में आपका स्वागत है। मेरा आज किशोर एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे, पुराना टैंक किस तरफ से सर्विस किया जाता है, ऐसा और एक नया टॉपिक है। अगर आपका टैंक क्रैक हो जाता है या फट जाता है, आपने किस तरफ से उसको सर्विस कर पाओगे या रिपेयर कर पाओगे, पूरी तरफ से हमने वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को आगे लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारे चैनल पर पुराना हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो चलते दोस्तों वीडियो। Oh no! Gali gali teri laaj chali ji aur bahubali दोस्तों, जैसे कि आपने देख रहे हैं, यहाँ पर एक पुराना टैंक का रिपेयर चल रहा है। तो इस टैंक को हम लोग किस तरफ से रिपेयर करेंगे, बने रहे इस वीडियो में पूरे तरफ से, तभी आपको पता चलेगा किस तरफ से हमने रिपेयर कर रहे हैं। ये जो टैंक है, काफ़ी सारा डैमेज हुआ है, टैंक का क्रैक हो गया दो साइड में, आपने देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो हमने क्या किया है, इस तरफ का क्रैक जगह को पॉलिश कर दिया सैंड पेपर में। पॉलिश करने का फायदा ये रहेगा, अपने जो गम लगाओगे उसमें अच्छी तरफ से उसको पकड़ ले या चिपक जाए। तो इसीलिए हम लोग पहले उसको अच्छी तरफ से पॉलिश कर दिया सैंड पेपर में। सेकंड, उसका ऊपर हमने इस तरफ का अराल डेट को यूज करना है आपने, जो कि फास्ट का है। अराल डेट में एक स्टैंडर्ड आता है और एक फास्ट आता है, आपको फास्ट वाला लेना है। इस तरफ का मिक्स करके यहाँ पर आपको बताने के लिए चाहूँगा मैं, पहले जो आपका क्रैक एरिया है उसको हमने अच्छी तरफ से स्टिचिंग की है। देख पा रहे हो गए, यहाँ पर स्टिचिंग हुआ है, बाइंडिंग वेयर पे हमने इसको स्टिचिंग की। तो आपने भी इस तरफ का स्टिचिंग आराम से कर सकते हैं। आपके पास बाइंडिंग वेयर हो या जीआई का, स्टील का, कुछ भी वेयर होगा तो इस तरफ का उसको स्टिचिंग करके उसका ऊपर में अच्छी तरफ से आरएल डेट लगा देना है और उसको 5 मिनट छोड़ देना है। 5 मिनट आरएल डेट फिक्स हो जाता है जो फास्ट वाला रहता है। स्टैंडर्ड वाला जो होता है थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आपको फास्ट वाला लेना है। तो आरएल डेट लगाने के बाद में, मानोगे नहीं आप, ये टैंक आपका नया जैसा हो जाएगा, हम गारंटी के साथ बोलते हैं। और इसमें काफ़ी लाइफ बढ़ जाएगा। आपने देखे होंगे काफ़ी सारा लोग मेटल पेस्ट और एमसील यूज़ कर लेते हैं क्रैक एरिया में। मेटल पेस्ट और एमसील यूज़ करने से उसका लाइफ नहीं रहता है, बहुत कम दिन में फिर से लीकेज शुरू हो जाता है।
तो आप इस तरफ का आरएल डेट लगा के आपका टैंक का लाइफ भी बढ़ जाएगा और कभी भी इसमें लीकेज नहीं होगा। लीकेज होगा तब जब टैंक दूसरा जगह में क्रैक होगा, आरएल डेट का जगह पर क्रैक होने का चांस नहीं है, बहुत सारा कम होता है। तो हमने बहुत सारा टैंक इस तरफ से रिपेयर किया है, तो हमारा सजेशन यही रहेगा आपका टैंक अगर क्रैक हो जाता है तो आपने इस तरफ उसको रिपेयर करके और कुछ सालों के लिए उसको आप चला सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक लाइक छोटा सा जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि प्लम्बिंग में हर जुड़ी हुई वीडियो हम इस चैनल में दिखाते हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे जाके अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल का नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी फाइनली हमारा टैंक का काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर एक फाइनल टेस्ट ले रहे, अभी यहाँ पर हमने टैप खोल के देखेंगे पानी आ रहा है, टैंक को हमने पूरी तरफ से फिल कर दिया और लीकेज भी नहीं है। तो चलते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।